नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के जो पोर्टफोलियो में जो मिड कैप स्टॉक्स है और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ये वीडियो है, देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके इन वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, मतलब पेनी स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, कैप स्टॉक्स और जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, सारे के सारे स्टॉक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बताएं, हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला शेयर है टाइटन कंपनी। दोस्तों, टाइटन कंपनी से ही राकेश झुनझुनवाला जी फेमस हुए थे, क्योंकि इस कंपनी में उन्हें जो है बहुत ही काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त हुआ था। वो लगभग 2000 ईस्वी के आसपास, 2002-2000 के आसपास जो है वो इसमें इन्वेस्ट किए थे। उस समय ये स्टॉक्स बहुत ही मतलब लो प्राइस का हुआ करता था। और अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स मैक्सिमम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 भी कहा है 1389 रुपीज़, मतलब 1400 के आसपास तक जा चुका है। तो समझ सकते हैं ये हमारा टाइटन जो है टाटा कंपनी का स्टॉक्स है, जो कि ज्वेलरी के बिजनेस में है, फैशन के बिजनेस में है। तो इस तरह से ये स्टॉक्स उनको इतना बड़ा रिटर्न दिया उनके इन्वेस्टमेंट में कि इसी से वो फेमस हो गए एक बिलियनियर के रूप में। तो समझ सकते हैं, आपको भी अगर स्टॉक मार्केट से अर्न करना है, एक बिलियनियर बनना है, तो आपको भी एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उसे एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहला हो गया टाइटन, जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स है उनके पोर्टफोलियो में। उसके बाद दूसरा हमारा स्टॉक्स है एपटेक लिमिटेड। तो देख सकते हैं हमारा ये स्टॉक्स, ये भी हमारा स्टॉक्स जो है उनके मतलब पोर्टफोलियो में है। और ये अभी देखते हैं करेंट प्राइस इसका 103 रुपीज़ है, वहीं टाइटन का करेंट प्राइस कितना है 991 रुपीज़। तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स हो गया। और इस स्टॉक को आप कैसे देख सकते हैं, उनका इसमें कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट है, क्या है, तो आपको हम बता देते हैं। यहाँ पर आप आएंगे बीएससी इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटन कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स। यहाँ पर आप आएंगे नीचे, तो नीचे पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसका 2 लाख रुपये से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 1% स्टेक जब होता है तो उनका नाम यहाँ पर आपको शो होगा। तो देख सकते हैं झुनझुनवाला राकेश, उसके बाद झुनझुनवाला रेखा राकेश। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों का स्टेक यहाँ पर देखते हैं। झुनझुनवाला जी के नाम पर 4.43% है और जो उनके वाइफ है उनके नाम पर 1.10% का स्टेक है। तो यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर आपको bscindia.com पे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना नाम डालना है जिस कंपनी का भी आप देख सकते हैं, देखना चाहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये देख सकते हैं ये BSE का कोड है, इस कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे जुबिलेंट लाइफ साइंस को हमने यहाँ सर्च किया है उनके कोड से। और यहाँ पर फिर नीचे आपको आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ये एरो चिन्ह पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, ये थोड़ा मेरा नेट स्लो है, तो कुछ इस तरह का आपको फिर से यहाँ पर खुलेगा पेज, इसमें नीचे जाना है आपको। चलिए तो नीचे जाते हैं, नीचे जैसे जाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा, देख सकते हैं ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर नीचे है पब्लिक शेयर होल्डिंग, यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, ये देख सकते हैं जुबिलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड। इसमें आपको वहीं बस नीचे जाना है जुबिलेंट लाइफ साइंस में, यहाँ पर देख सकते हैं 2 लाख रुपीज़ से जो अधिक है, 4 रिटेल इन्वेस्टर है जिसका 2 लाख रुपीज़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से ये देख सकते हैं यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इनका स्टेक यहाँ पर आकर के देख सकते हैं इतना परसेंट है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मतलब स्टॉक में कितना परसेंट होल्डिंग जो है किनका है रिटेल इन्वेस्टर में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बहुत सारे जो FIs हैं उसका भी देख सकते हैं, LIC ऑफ इंडिया देख सकते हैं, इस तरह से। चलिए तो हम बात करते हैं
कुल आपने देख लिया टाइटन, ये टाइटन का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। जुबलेंट लाइफ साइंस का देख लिया, टाइटन का देख लिया, एपटेक, एपटेक में भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो आप चेक करना चाहते हैं तो बीएससी इंडिया पर जाकर के एपटेक का सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी सर्च किया है काफ़ी जगह से, तब जाकर के एकत्रित किया है उनका पोर्टफोलियो क्या है। अब बहुत सारे पेड ऐप हैं, उस पेड ऐप पर जाकर के आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो इन्वेस्टर है उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं आपको मिल जाएंगे। या तो आप बीएससी इंडिया से इस तरह से देखें, या एनएससी से आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं, एनएससी पे भी बहुत का डाटा रहता है। तो अगला है हमारा रैलीज इंडिया लिमिटेड, इनमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो आप जो है किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को, मतलब उनके स्टॉक को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो अलग है, उनका जो रिस्क अलग है, उनका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, मतलब वो 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं लगातार एक ही प्राइस पर, फिर आप कर पाएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, आपको खुद का रिसर्च करना है कि आपको कौन सा स्टॉक ऐसा लग रहा है जो आगे चल करके एक अच्छा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न देगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉट्स लिमिटेड देख सकते हैं, इनमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है और ये देख सकते हैं ये एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, देख सकते हैं ये उनको मल्टीबैगर कब से कब तक का उनका इन्वेस्टमेंट है ये भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जिस पे जाकर के उन वो ये स्टॉक्स कब खरीदे थे, कब से वो होल्ड कर रहे हैं, ये सारा चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्रोटेक फूड लिमिटेड, एग्रोटेक फूड इसमें भी उनका इन्वेस्टमेंट है। करेंट प्राइस देखते हैं 509 रुपीज़ है। स्कॉट्स का भी करेंट प्राइस देखते हैं 943 रुपीज़ था, पहले बहुत ही कम का ये स्टॉक्स हुआ करता था। तो उसी तरह से अब अगला हम स्टॉक देखते हैं, अगला स्टॉक है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, अभी 95 रुपीज़ का ये स्टॉक्स है। तो ये भी देखते हैं एक लॉन्ग टर्म होराइजन में देखेंगे तो ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन फिर भी वो इसे होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है वो यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो हाई प्राइस पर, फिर भी वो होल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी अपना सर्च करना है, फिर उसको होल्ड करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म के लिए, तब जाकर के आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। फिर उसके बाद है क्रिसिल लिमिटेड, देखते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्रिसिल देखते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो क्रिसिल हमारा एक रेटिंग एजेंसी है, हमारी रेटिंग कंपनियां हैं इंडिया की। तो आप देखते हैं क्रिसिल एक बेहतरीन स्टॉक्स है, डिविडेंड यील्ड भी कितना शानदार है, देखते हैं 2.23%। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च करेंगे, आप अपना रिस्क फैक्टर देखेंगे, सारे चीज़ देखने के बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वीआईपी इंडस्ट्रीज, काफ़ी न्यूज़ में इधर रहा है ये स्टॉक्स, जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट उनका आया वैसे वैसे ये स्टॉक्स काफ़ी मूवमेंट दिखाया, लेकिन अभी आप देखते हैं ये स्टॉक्स काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल रहा है, लगभग हाफ प्राइस पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। उसके बाद हमारा है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, आयन एक्सचेंज देखते हैं इसमें लगता है कि उनको अच्छा रिटर्न अभी मिल चुका होगा, क्योंकि ये स्टॉक्स देखते हैं अभी भी इतने गिरावट वाले मार्केट में भी अच्छे प्राइस पे अभी तक है। उसके बाद अगला है हमारा जुबलेंट लाइफ साइंस लिमिटेड, इसका तो हमने पहले भी दिखाया आपको कितना परसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें, ये भी आपको हमको बीएससी इंडिया पर आपको हमने दिखाया। उसके बाद है हमारा MCX देखते हैं मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी स्टॉक्स देखते हैं काफ़ी दिन से अंडर परफॉर्म रहा है, कुछ खास रिटर्न इसमें नहीं मिला है। उसके बाद अगला स्टॉक्स जो है हमारा वो है लुपिन इंडिया लिमिटेड, लुपिन इंडिया देखते हैं अगर ये कोई बहुत ही पहले 2014 से पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा तभी उनको कुछ खास रिटर्न मिला होगा, या यहाँ पर 2019 में कोई इन्वेस्ट किया होगा तब, नहीं तो देखते हैं ये भी स्टॉक्स काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर कोई 2000 ईस्वी के आसपास इसमें इन्वेस्ट किया होता तो देखते हैं 50,000% से भी अधिक का रिटर्न इसमें मिल चुका है उनको। तो ये सारे स्टॉक्स थे, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कुल 29-30 स्टॉक्स हैं जो आप यहाँ पर काउंट कर लेंगे इस वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने इनके स्मॉल कैप स्टॉक्स और जो पैनी स्टॉक्स है उनको बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे। तो हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे बड़े इन्वेस्टर हैं वो किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, कब से वो मतलब उसको होल्ड किए हैं, वो बीच बीच में मतलब बहुत सारे स्टॉक में जो उनका इन्वेस्टमेंट है उससे सेल ऑफ भी करते रहते हैं और फिर नया स्टॉक को वो चूज भी उसके स्थान पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो है जैसे 1% का स्टेक वो किसी भी स्टॉक में लेते हैं तो उसमें तुरंत न्यूज आती है, मतलब 1% स्टेक अगर कोई नया स्टॉक में लेते हैं तो कंपनी जो है उस क्वार्टर के अंत में उसे पब्लिश करती है, तो वो स्टॉक काफ़ी न्यूज में रहता है। तो इस तरह से भी आप लगातार न्यूज पे मतलब अपना नज़र रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
थिएटर पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।